और अगली खबर जौनपुर से, जहां पर दबंग खुटहन के ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव समेत दो अन्य साथियों पर खुटहन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि खुटहन ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और नरेंद्र उपाध्याय और जिला पंचायत सदस्य सुबेदार सिंह पर ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात मनरेगा अकाउंटेंट ने मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं थाने में इस मामले में तहरीर भी दी गई है। आरोप के आधार पर गुरुवार की देर शाम पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज लिया था और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे ने खुटहन के वीडियो वीरभान सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला पूरी तरह से सही है। ब्लॉक प्रमुख ने मनरेगा कर्मचारी को धमकाया और गाली गलौज भी दी। जी साहब, हाँ देवेंद्र खरे बोल रहे हैं। हाँ ये बताइए कि जो घटना हुई थी, क्या क्या घटना हुई थी आपके सामने? हाँ, घटना उस दिन बैठे बैठे से पहले बातचीत सामान्य चल रही थी। बातचीत के दौरान ही कुछ शब्दों का यूज हो गया कुछ लोगों द्वारा, उसी दौरान फिर बात बढ़ गई, फिर तू नहीं हुई, जब गाली गलौज हुआ तो फिर विपक्ष ने अपना जो है दिया तहरीर। ठीक है, तहरीर गई है, पुलिस उनको छानबीन करेगी, तफ्तीश होगी। नहीं नहीं नहीं, ये गाली गलौज किसके द्वारा दी गई आपके कर्मचारी को? गाली गलौज किसके द्वारा, किसको दी गई आपके कर्मचारी के? जो तहरीर में लिखा हो सही है। अच्छा अच्छा ठीक है।